हेलो लिस्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ब्रॉडकास्ट नमस्कार श्रोता मित्रों और इस प्रसारण में आपका स्वागत है टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट हाउ टू लिव ए पॉजिटिव लाइफ आज मैं आपके साथ एक सकारात्मक जीवन जीने के बारे में बात करना चाहता हूं दिस इज डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव थिंकिंग ये सकारात्मक सोच से भिन्न है पॉजिटिव थिंकिंग इज ऑल अबाउट योर सकारात्मक सोच पूर्ण रूप से आपके अपने बारे में ही होती है Positive thinking requires constant self-motivation and self-affirmation. सकारात्मक सोच के लिए निरंतर आत्म प्रेरणा और आत्म समर्थन की जरूरत होती है. It is telling yourself that I can do it and I can do it. ये अपने आप से ये कहते रहना है कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं ये कर सकता हूँ. The problem with that is when you face a great obstacle. लेकिन इसके साथ समस्या ये है कि जब आप किसी बड़ी बाधा का सामना करते हैं. And positive affirmation is not enough, और समर्थन काफी नहीं होता तो आप खड़े रहने के बजाय नीचे गिरे हुए अधिक दिन बिताते हैं एंड यू बिकम डिपेंडेंट ऑन पीपुलू अपने लोगों पर निर्भर हो जाते हैं जो आपको सहारा देकर खड़ा करें बट हिट इज ए गुड न्यूज परंतु एक खुशखबरी भी है

The secrets of positive living. मैं आपके साथ सकारात्मक जीवन जीने के रहस्यों को बांटूंगा इवन वन एवरी यहाँ तक जब उसके जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा था तो भी उस सकारात्मक था वेन यू रीड पॉल से जब आप कुरिंथियों के नाम पॉलिस का दूसरा पत्र पढ़ते हैं you will be amazed at how much suffering he endured. तो आप हैरान रह जाएंगे कि उसने कितना दुख सहा But he not only survived he thrived Parantu na keval wo isme se bahar nikla wo isme bada bhi Paul was surrounded by negative people Paulus nakaratmak logon se ghira hua tha He was surrounded by negative situations Wo nakaratmak sthitiyon se ghira hua tha He was surrounded by negative circumstances Wo nakaratmak paristhitiyon se ghira hua tha

आइए मिलकर इसे पढ़ते हैं पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु का प्रेरित है और भाई तिमोथियस की ओर से परमेश्वर की उस कलिसिया के नाम जो कुरेस में है और सारे अखिया के सब पवित्र लोगों के नाम हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में हो क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है यदि हम कलेश पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है और यदि शांति पाते हैं तो ये तुम्हारी शांति के लिए है जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन कलेशों को सह लेते हो जिन्हें हम भी सहते हैं और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो जो असिया में हम पर पड़ा कि ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था यहां तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे बरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है कि हम अपना भरोसा ना रखें वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से बचाया और बचाएगा और उससे हमारी ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा और तुम भी मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता करोगे कि जो बरदान बहुतों के द्वारा हमें मिला उसके कारण बहुत लोग हमारी ओर से धन्यवाद करें क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच में हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था हम तुम्हें और कुछ नहीं लिखते केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो और मुझे आशा है कि अंत तक भी मानते रहोगे जैसा तुम में से कितनों ने मान लिया है कि हम तुम्हारे घमंड का कारण है वैसे तुम भी प्रवेशु के दिन हमारे लिए घमंड का कारण ठहरोगे we'll आज हम पहले रहस्य पर गौर करेंगे the inflow outflow equation और मैं इसे अंदर से बाहर और बाहर से अंदर के प्रवाह when you understand this equation you will begin to grasp the first step to positive living listen again to what the holy spirit inspired the apostle paul to write in verses To फिर से सुनिए जो तीन से पांच पदों में लिखने के लिए पवित्र आत्मा ने प्रेरित पॉल उसको प्रेरित किया। be to God, the of our Lord Jesus हमारे प्रभु मसीह के परमेश्वर पिता की स्तुति हो द फादर ऑफ कम्पैशन एंड द गॉड ऑफ ऑल कंफर्ट। जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है वह हमारे सब कलेश में हमें शांति देता है So that we can comfort those in any trouble. Taqe ham unhe de sakte kisi prakar ke With the comfort we ourselves have received from God. Us shanti ke saath jo hamne parameshwar se payi hai. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives. Kyunke jaise Masie ke duk hamko aadhik hothe hain. So also through Christ.

there is sorrow and loss यहां दुख और हानि है they are all inevitable। ये सब बातें अटल हैं all these things satan loves to use against god's people शैतान को इन सब बातों को परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल करना बहुत अच्छा लगता है why क्यों in order that they may be discouraged ताकि वो निराश हो जाएं in order that they may not accomplish great things for god taaki wo parmeshwar ke liye bade bade kaam na kar saken in order that they may not make a difference in the world taaki wo sansar mein koi parivartan na la saken you can try propping yourself up all you want aap jo chahte hain uska sahara lekar khud ko upar uthane ka prayatna kar sakte hain but at best

and personal of all of his writings. कुरिन्थियों के नाम पौलुस की दूसरी पत्री को उसके सबसे घनिष्ठ और उसके सभी लेखों से अधिक निजी कहा जाता है। He reveals to us his inner pain. वो हम पर अपनी अंदरूनी पीड़ा को प्रकट करता है। His inner anger. अपने भीतरी गुस्से को प्रकट करता है। His inner temptation. और अपनी भीतरी परीक्षा को प्रकट करता है।

How he was viciously maligned for the sake of Christ. <laughs> and if there was ever a human being who had every right to sit back and complain and be bitter and angry, it would have been the Apostle Paul. if there was ever a human being who had every right to sit back and complain and be bitter and angry, it would have been the Apostle Paul. Or if a to sit and but listen to what he said in chapter 1, verse 3. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. You feel like you want to say to Paul, Paul, you should be angry and mad at these people. आप ऐसा महसूस करते हैं जैसे आप पॉलुस से कहना चाहते हो पॉलुस तुझे इन लोगों पर गुस्से और क्रोधित होना चाहिए Paul, your eyes are going blind and your health is failing. Paulus, तेरी आँखों की दृष्टि जा रही है और तेरा स्वास्थ्य गिर रहा है. Your physical and emotional strength are waning. तेरी शारीरिक और भावनात्मक शक्ति छीन हो रही है. Ah, oh, but Paul would say. ओ परंतु Paulus कहेगा. What are you talking about? I am not focusing on these things. तुम क्या बात कर रहे हो मैं इन सब बातों पर ध्यान लगाए हुए नहीं हूँ I am focusing on the God of all comfort who comforts me in all afflictions. मैं सारी शांति के परमेश्वर पर ध्यान लगाए हुए हूँ जो मेरी सारी दुर्बलताओं में मुझे शांति देता है I am focusing on the friend who sticks to me closer than a brother. मैं उस मित्र पर ध्यान लगाए हुए हूँ जो भाई से भी बढ़कर मेरे समीप रहता है I am focusing on God who is for me and who can be against me. पर पर और और I am focusing on the one who would not spare his only begotten son for me. How much more would he not freely give me all things? Nothing can get me down. कुछ भी मुझे गिरा नहीं सकता। No problem can get me muddled. कोई भी समस्या मुझे डुला नहीं सकती। No financial difficulty can get me to despair. कोई आर्थिक कठिनाई मुझे निराश नहीं कर सकती। No disease or illness can slow me down. कोई बीमारी या रोग मुझे धीमा नहीं कर सकता। No false accuses

मेरे श्रोता मित्रों यदि आप अपनी दुर्बलताओं के मध्य में संपूर्ण शांति के परमेश्वर का अनुभव नहीं कर रहे हैं चैंसेज आर यू आर ट्राइंग टू डू इट योर तो संभावना यह है कि आप इसे खुद करने का प्रयत्न कर रहे हैं संभावना ये है कि आप दांत पीसते जा रहे हैं जब तक कि आपके जबड़े टूटने की कगार पर ना पहुंच कम्फ़र्ट। आप आज ही संपूर्ण शांति के परमेश्वर को जान सकते हैं Who comforts us in all afflictions. जो हमारी सब दुर्बलताओं में हमें शांति देता है नोट जस्ट समर्ट केवल थोड़ी सी शांति नहीं

फादर ऑफ कंपैशन एंड ऑफ ऑल कम्फर्ट इन हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है यदि यहीं रुक गया होता ही तो वो हमें पूर्ण सत्य नहीं बता पाता फोर द इन फ्लो टू बी रेडी टू टेक होल्ड इन योर लाइफ एंड मान क्यूँकी आपके और मेरे जीवन में इस अंतवाह के प्रभावी होने के लिए देर टू बी एन एट फ्लो एक बाहर की ओर प्रवाह का होना भी आवश्यक है रिमेम्बर द्लो एट फ्लो इक्वाइज इस अंदर बाहर के प्रवाह के प्रश्न को याद करें इट इज इन एवरी थिंग एंड इन एवरी एरिया ये हर बात और हर क्षेत्र में मौजूद है The Bible tells us about sowing and reaping. बाइबल हमें बोने और काटने के विषय में बताती है. Jesus said to whom much is given much is required. यीशु ने कहा जिसे अधिक दिया गया है उससे अधिक लिया जाएगा. Jesus said by the measure you measure you will receive back and on and on. यीशु ने कहा जिस माप से तुम मापते हो उसी से तुम्हें वापस दिया जाएगा और आगे भी बहुत कुछ वो कहता है.

to be a conduit. उसके लिए परमेश्वर की शांति उसे एक प्रवाह स्रोत बनाती है In order that he might pass it on to others. ताकि वो इसे आगे दूसरों तक पहुंचा सके Compare the Sea of Galilee with the Dead Sea. गलील के सागर की मृत सागर के साथ तुलना कीजिए The Sea of Galilee is clean, beautiful and sparkling. गलील का सागर साफ सुंदर और चमकदार है और ये यर्दन नदी में गिरता है और लाखों लोगों को आशीष के रूप में प्राप्त होता है Then you have the dead sea. फिर आप मृत सागर को देखते हैं। the water gets in and stays in. पानी उसके अंदर आता है और वहीं ठहर जाता है it never flows out. ये कभी बाहर की ओर नहीं बहता and nothing can live in the Dead Sea. और मृत सागर में कुछ भी जीवित नहीं रह सकता

Verse 4 says, So that we will be able to comfort those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. The truth is this. There are so many believers. Who are spiritually fat and out of shape. बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो आत्मिक रीति से मोटे और भद्दे बन गए हैं यू आस्क पूछेंगे कैसे परमेश्वर से प्राप्त करते रहने करते रहने और करते रहने के द्वारा बट वेरी लिटल इज गोइंग एप टू अदर्स और बैक टू गॉड परंतु बहुत ही कम है जो दूसरों तक या वापस परमेश्वर के पास पहुंच रहा है इन फ्लो एट फ्लो इक्वेजन इज उनके अंदर बाहर के प्रवाह का समीकरण अन हो गया है फर्स्ट सीक्रेट ऑफ पॉजिटिव लिविंग हम सकारात्मक जीवन के पहले रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं आई met a पॉजिटिव पर्सन हु इज ओनली a taker। मैं कभी किसी ऐसे सकारात्मक व्यक्ति से नहीं मिला हूँ जो केवल प्राप्त ही करता हो आई मेट ए पॉजिटिव पर्सन हु इज Into the flow, but never gives any outflow. Do you know why? Because the first secret of positive living can only be achieved when your outflow is balanced with your inflow. क्योंकि सकारात्मक जीवन के पहले रहस्य को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब बाहर से अंदर का प्रवाह आपके अंदर से बाहर के प्रवाह के साथ संतुलन में हो यू नो दिन इज श्योर आप जानते हैं कि अंदर की तरफ का प्रवाह तो निश्चित है दे द क्वेश्चन बिकम्स है इसलिए प्रश्न ये पैदा होता है मैं बाहर की तरफ के प्रवाह में कहां पर हूं If the outflow is not matching the inflow, यदि बाहर की ओर का प्रवाह अंदर आने वाले प्रवाह के बराबर में नहीं है यू कैन ट्राई तो आप जितना चाहे अपने आप को भरने का प्रयत्न कर सकते हैं यू कैन आप जितना चाहे उन सकारात्मक समर्थन विधियों का इस्तेमाल करने का प्रयत्न कर सकते हैं दे नॉट लास्ट ये सब ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा

who has been receiving comfort, blessings, and encouragement from the hand of God. जो परमेश्वर के हाथ से शांति, आशीष और प्रोत्साहन को प्राप्त करता रहा है. And yet has never responded to the grace of God in kind. और फिर भी आपने अभी तक परमेश्वर के अनुग्रह का दीनता के साथ उत्तर नहीं दिया है. Somehow you convinced yourself that it is your ingenuity and hard work that got you where you are. आपको किसी प्रकार से ऐसा लगता है कि जहाँ पर आप हैं, वहाँ आपकी विलक्षणता और आपके कठिन परिश्रम ने आपको पहुँचाया है. Today you can respond to God. आप आज ही परमेश्वर को प्रत्युत्तर दे सकते हैं. By surrendering to him in thankfulness for his love. उसके प्रेम के लिए उसके समक्ष समर्पण करते हुए. There may be some people who know the Lord and experience his abundant blessings. कुछ लोग होंगे जो प्रभु को जानते हैं और उसकी भरपूर आशीषों का अनुभव कर रहे हैं.

अंतर्वाह और बाहर की ओर के प्रवाह के समीकरण के आनंद का अनुभव करें